आईफोन। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि एप्पल अपना हर साल एक न्यू सीरीज लॉन्च करता है और इस साल भी वो अपना आईफोन 15 ऑल सीरीज लॉन्च करेगा जो कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो गया यार। तेरा बाप। बट हम कुछ रूमर्स फीचर्स सुन रहे हैं, इस वीडियो में उसी की बात करेंगे जिसको सुनने के बाद आप कुछ इस तरह कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयसवर भाई और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल जयसवर भाई टेक में। चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आप आईफोन की लुक के बारे में तो जानते ही हैं, फिर इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं जो कि आईफोन 15 में होने वाले हैं। तो इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईफोन एप्पल जो कि इंडिया में उसका स्टोर ओपन हो रहा है। चलिए अब रूमर्स की बात कर लेते हैं। तो पहला है चार्जिंग केबल लैन पोर्ट, जो कि आईफोन आने वाले अपने 15 ऑल सीरीज में लाइटनिंग केबल कनेक्शन पोर्ट था उसको हटाकर अभी सभी जगह इजीली अवेलेबल और फास्ट चार्जिंग के लिए सी टाइप कनेक्शन पोर्ट ला रहा है। दूसरा फीचर्स रूमर्स ये निकल के सामने आ रहा है कलर की। तो कलर की बात करें तो आईफोन अपने कलर में हर साल कुछ यूनिक करता है, तो इस साल भी आईफोन अपने आईफोन 15 ऑल सीरीज में कुछ शाइनिंग रेड या शाइनिंग ब्लू कलर रख सकता है। चलिए तीसरे रूमर्स की बात कर ले, कैमरा अपडेट को लेकर है। यहाँ आईफोन अपने 15 सीरीज में एक नया फीचर्स ऐड करेगा जो कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने वाला है, जो कि टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी को लेकर है। सम स्मार्टफोन में पहले से ही ये टेक्नोलॉजी था, जैसे कि सैमसंग एंड अदर, बट इस बार आईफोन भी अपने सीरीज में ये टेक्नोलॉजी लाने की सोच रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। तो देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी के आने से आईफोन के कैमरे से लेकर आईफोन के मोबाइल में जो कि बहुत गजब का उछाल देखने को मिल सकता है। पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी में जो पेरिस्कोप लेंस का यूज़ किया जाता है उससे आपको 5x इवन 10x जूम फैसिलिटी भी मिल जाएगी आईफोन 15 के सीरीज में, और साथ ही ये हायर क्वालिटी भी आपको प्रोवाइड करेगा। तू समझा? ऑप्टिकल जूम इज मोर बेटर देन डिजिटल जूम। अगर डिजिटल की बात करें तो कोई भी डिस्टेंस से फोटो खींचा जा सकता है, पर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी जितना कि ऑप्टिकल जूम में ऑप्टिकल लेंस में होगी। बट ऑप्टिकल लेंस वाले केस में आपका ऑब्जेक्ट कैमरे के नियर होना चाहिए, फिर तो क्या बोले बहुत ज़्यादा फाड़ू होने वाली है। ऐसे में बड़ा सख्त लौट रहा हूँ। यहाँ चौथा रूमर्स जो कि ग्लास पैनल का लेकर है, और ग्लास पैनल जो कि आईफोन के 15 मॉडल का लीक हुआ था तो आप इधर देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट वाला है आईफोन का और सेकेंड वन इस आईफोन प्रो का है और लास्ट वन इज आईफोन प्रो मैक्स। पांचवा यहाँ आईफोन के फ्रेम को लेकर रूमर्स निकल के आ रहा है सामने। आपने आईफोन के सीरीज में एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील फ्रेम के बारे में सुने ही होंगे जो कि काफ़ी चल रहा था, मगर इस बार अभी आईफोन के 15 के सीरीज में आईफोन एप्पल कंपनी टाइटेनियम फ्रेम ला सकती है जिससे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ उसका लुक और लाइटनेस में बढ़ोतरी होगी। छठवां रूमर से यहाँ वॉल्यूम बटन और होम बटन को लेकर है। वॉल्यूम बटन की बात करें तो यहाँ अप डाउन जो बटन था उसको आईफोन 15 के सीरीज में सिंगल करने वाला है और ये सॉलिड स्टेट बटन के जैसा रहेगा। और अगर होम बटन की बात कर ले तो होम बटन में कुछ सेंसेबल सुधार कर सकती है कंपनी। सातवां पॉइंट है दोस्तों, जो कि रूमर्स नॉर्मली निकल के सामने आ रहा है और स्टोरेज और रैम को लेकर है। स्टोरेज में 128 नहीं 256 और 512 GB स्टोरेज मिल सकता है, और रैम की बात करें तो 8 GB और उसके ऊपर रैम मिल सकता है आपको देखने को। आठवां है दोस्तों प्रोसेसर चिप, आईफोन के जो प्रोसेसर चिप आपकी आने वाले हैं तो खुद का भी आईफोन कंपनी क्वालकॉम मॉडल चिप लाने वाला है। आईफोन 14 के सीरीज में A16 बायोनिक चिप प्रोसेसर था जो कि आपकी अपग्रेड होकर आईफोन 15 के सीरीज में 3nm A17 बायोनिक चिप प्रोसेसर होगा, जो कि रियली बहुत बवाल है फास्टर एंड स्मूथ चलने के लिए।
नवा रूमर्स डिस्प्ले को लेकर आ रहा है। जो कि डिस्प्ले की बात करें तो आईफोन 14 जो कि 6.1 डिस्प्ले के मुकाबले इधर आपको बिगर डिस्प्ले 6.2 आईफोन 15 के सीरीज में देखने को मिलेगा। यहाँ बस यही नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो, अब आईफोन 15 डायनेमिक आइसलैंड फीचर्स ला रहा है। अब आप यहाँ ये बोलोगे कि यह ऑलरेडी 14 के सीरीज में था, तो यस, मगर इस बार कुछ यूनिक फीचर्स के साथ वह डायनेमिक आइसलैंड को लॉन्च करेगा और इसमें कुछ अच्छा सुधार करेगा। अब चलिए रिलीज डेट की बात कर लेते हैं। तो रिलीज डेट यहाँ रूमर्स सामने ये निकल के आ रहा है कि 23 अगस्त को इसी साल 2023 में आईफोन 15 का सीरीज लॉन्च होने वाला है, एक्सपेक्टेड डेट है। अब लास्ट वन दोस्तों, अब इसके प्राइस की बात करें तो इट कुड बी 77,990 रुपीस इन इंडिया एक्सपेक्टेड है। रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को हिट करिए और आपका अपना सपोर्ट और प्यार देने के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो शेयर जरूर करिएगा। अलविदा।